नमस्कार, मैं वीरू दसूसड़ा। आज ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट बॉलीवुड और ना बात करेंगे क्रिकेट के स्टार केदार जाधव की, बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव की। 6 दिन आप गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट रहे, जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ते रहे। आज पूरे देश की आंखें नम है। जो आपके विरोधी दल थे ना, वो भी आज उनकी भी आंखें नम है। 3 बार आप यूपी के मुख्यमंत्री रहे। अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। हाईकोर्ट ऑफ लंदन के पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीश डॉक्टर गार्विन लाइटमैन ने आपकी तारीफ की, विधिक क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने के लिए। गुरु डॉक्टर लोहिया के मार्गदर्शन में आप पहली बार यूपी के 1967 में विधायक चुने गए। बाद में पूरे समाज के कल्याण के लिए आपने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और आज 82 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। आपकी वो बात हमेशा याद रहेगी जो आप कहा करते थे कि मिलकर साथ जो चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। इसी बिहाव पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्लेसिंग्स दी थी। रहा था तो एक दुखद खबर भी मिली। आज मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा है। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगे गेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।